देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की यूरोप दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन उन्होंने डेनमार्क के पीएम मेटे फ्रेडरिकसन से मुलाकात की और कई मुद्दों पर चर्चा की। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन पहुंचने पर एयरपोर्ट पर पीएम मेटे फ्रेडरिकसन ने खुद पीएम मोदी का स्वागत किया। भारत और डेनमार्क के बीच कई समझौतों पर सहमति बन गई है। समझौतों को लेकर भारत और डेनमार्क ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान पीएम मोदी ने बड़ी पहल की। साझा बयान जारी करने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध पर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में तत्काल युद्ध विराम लगना चाहिए। भारत द्वारा लगातार इसकी अपील की गई है। पीएम मोदी का रूस यूक्रेन जंग को लेकर ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब लड़ाई को 65 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। रूस यूक्रेन जंग का असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर भी पड़ रहा है। हमने यूक्रेन में तत्काल युद्ध विराम और समस्या के समाधान के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने की अपील की। हमने क्लाइमेट के क्षेत्र में अपने सहयोग पर भी चर्चा की। भारत ग्लासगो कोप 26 में लिए गए संकल्पों को पूरा करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। हम आर्कटिक क्षेत्र में सहयोग के अधिक अवसर तलाशने पर सहमत हुए हैं। एक्सेलेंसी, मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में भारत और डेनमार्क के संबंध नई ऊंचाई प्राप्त करेंगे। आपको बता दें कि मंगलवार को भारतीय समय के अनुसार दोपहर करीब 3:30 बजे डेनमार्क पीएम और पीएम मोदी की फिर मुलाकात हुई। दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। शाम करीब 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेटे फ्रेडरिकसन के निवास पर पहुंचे। डेनमार्क पीएम की तरफ से वहां पर मोदी को वो पेंटिंग भी दिखाई गई जो उन्हें पिछले साल भारत दौरे के दौरान गिफ्ट के तौर पर दी गई थी। इसके अलावा डेनमार्क की रानी क्वीन मार्गरेट 2 के साथ मोदी डिनर भी करेंगे। पीएम मोदी 2nd इंडिया नॉर्डिक समिट में हिस्सा लेंगे। इस बार डेनमार्क इसकी मेजबानी कर रहा है। नॉर्डिक देश वो हैं जो उत्तरी यूरोप का हिस्सा हैं। इसमें डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन शामिल हैं। पीएम मोदी आइसलैंड की पीएम कैटरीन जेकब्स डॉटीरो, नॉर्वे की पीएम जोनास गेहर स्टोर, स्वीडन की पीएम मैग्डलेना एंडरसन और फिनलैंड की पीएम सना मारिन से मिलेंगे। बता दें, पहला इंडिया नॉर्डिक समिट साल 2018 में स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था। पीएम मोदी इसके अलावा भारत डेनमार्क व्यापार मंच में भी हिस्सा लेंगे। डेनमार्क में पीएम मोदी भारतीय मूल के लोगों को संबोधित भी करेंगे।